2022 भारतीयों के लिए हिस्टोरिक टाइम बन गया है। जिस भारत ने 1971 में फर्स्ट INS विक्रांत UK से खरीदा था, आज वो भारत इतना सक्षम हो गया है कि उसने खुद न्यू INS विक्रांत अपनी इंडियन नेवी के लिए बना लिया। सितंबर 2022 इंडियन नेवी फ्लैग से UK खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। और इसी सितंबर 2022 में भारत UK को पीछे कर वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इस सिचुएशन में UK टू इंडिया, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की। INS विक्रांत इंडियन नेवी के लिए नया नाम नहीं है। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जहां INS विक्रांत ने निर्णायक भूमिका निभाई और इंडिया को जीत दिलाई और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आज हम इसी INS विक्रांत के एक लंबे सफर की बात करेंगे, जो कि 1957 में शुरू हुआ था। 1957 भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर UK से खरीदा था, जिसे 1961 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। 36 साल तक हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के बाद इसे 31 जनवरी 1997 में रिटायर्ड कर दिया गया। INS विक्रांत को 2012 तक कफ परेड मुंबई के शिप म्यूजियम में संरक्षित किया गया और जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के साथ इस जहाज को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से IB कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 60 करोड़ में बेचा गया। इसके बाद बजाज मोटर्स ने INS विक्रांत के मेटल को यूज करके एक बाइक बनाई, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया और इसका नाम V15 दिया गया। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ये बाइक सक्सेस नहीं हुई। INS विक्रांत के न्यू डिजाइन का काम 1999 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसे बनाने का काम फरवरी 2009 में केरला के कोची में स्टार्ट हुआ। फिर 2013 में इसे लॉन्च किया गया और अब 2 सितंबर 2022 को इसे ऑफिशियली भारतीय नेवी में शामिल कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि INS विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने से हमारी नेवी पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और साथ ही चाइना, इटली और UK के बाद इंडिया चौथा ऐसा देश है जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।